आज फिर से नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि छिपकली जो है आसानी से दीवार पर चल लेती है और कभी कभार बहुत तेज़ी से दौड़ भी लेती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ समय पहले तक इसका कारण छिपकली के पंजों और दीवार के बीच वैक्यूम बनना माना जाता था, लेकिन इसका असली कारण छिपकली के पैरों की संरचना में छुपा हुआ है। अब हम जानते हैं कि छिपकली के जो पैर का संरचना होता है उसके बारे में। छिपकली के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं जिन्हें सीटी कहते हैं। प्रत्येक सीटी में सैकड़ों और अति सूक्ष्म रोम होते हैं जो स्पेचुअली कहलाते हैं। जब ये स्पेचुअली दीवार के संपर्क में आते हैं तो वांडर वाल्स बल का उत्पन्न होता है और इसी बल के कारण छिपकली दीवार पर आसानी से चिपक रह पाती है। यह वांडर वाल एक विद्युतीय चुंबकीय बल का प्रकार है जो छिपकली के स्पेचुअल और दीवार के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। छिपकली एक ऐसा जीव है जो सांप से समानता रखता है, क्योंकि ये दोनों ही जीव सरीसृप वर्ग के हैं। यह अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी पूरे विश्व में रहते हैं, क्योंकि वहाँ के तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसके कारण वहाँ इसके प्रजाति सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।